हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं ऐसे वॉइस ओवर से अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी पुदीना लेने, एकदम फ्रेश पुदीना। तो छोटा सा पेड़ लगा हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं, एकदम छुट्टू सा ही पेड़ है। तो बस मैं उसे लेने जा रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ बनाने आज सत्तू का ड्रिंक, मतलब शरबत, जो भी आप लोग बोलो। तो ये नमक वाला शरबत बनाने जा रही हूँ। मीठा वाला शरबत भी बनता है, बट मैं आज नमक वाला शरबत बनाने जा रही हूँ। तो ये मतलब पुदीना डालना बहुत, मतलब बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ जाती है सत्तू के शरबत में। तो इसलिए मैं रखा हुआ है फ्रिज में, बट मैं फ्रेश पुदीना ले रही हूँ ताकि अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस आ जाए मेरे शरबत में। अपने सारे इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ। तो ये मैंने नमक ले रखा है, और ये पिसा हुआ मसाले वाला नमक है, जीरा, काला नमक और सादा नमक। और ये मैंने प्याज ले रखा है, नींबू ले रखा है और पुदीना ले रखा है, और ये है सत्तू। तो बस इन्हीं सारे इंग्रेडिएंट से मैं सत्तू का शरबत बनाऊंगी। तो चलो आप लोग को भी दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले हम सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे, और इसके बाद मसाले वाला नमक को भी ऐड कर देंगे, और फिर इसके बाद हम मिलाएंगे प्याज। और प्याज मिलाने के बाद हमें पुदीने को, आप चाहो जब बहुत ज़्यादा बनाना हो तो पुदीने को पीस भी सकते हो, बट इतने थोड़े में पीसना, मतलब आप समझ सकते हो इतने थोड़े को, दो चार लीव्स को कैसे पीस सकते हैं। तो बस मैं ऐसे ही तोड़ तोड़ कर हाथों से ही, अपने फिंगर की हेल्प से इसको डाल दूंगी। और इसके बाद फिर मैं इसमें नींबू को भी ऐड कर दूंगी। तो मैं हाथ इसलिए लगा रही ना ताकि जो इसके सीड्स हैं नींबू के, ये ऊपर ही रह जाएं, नीचे ना जाएं सत्तू में। तो बस ऐसे मैं इसमें नींबू भी डाल दूंगी, और फिर इसके बाद मैं पानी डालूंगी। और पानी डालने के बाद इसको मिक्स करना है, और देख सकते हो आप लोग मेरा सत्तू रेडी हो गया। तो अभी लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा जलजीरा पाउडर ऐड करूंगी, तो एकदम चटपटा बनेगा। और मैं मिर्ची बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ, एकदम स्किप कर रही हूँ, बट अगर आप लोग तीखा खाने के शौकीन है तो मिर्ची ज़रूर इसमें ऐड करें, तब और अच्छा लगेगा। बट इनको मिर्ची ज़्यादा नहीं पसंद है ना, नहीं खाते हैं, इस वजह से मिर्ची नहीं मैं इसमें बिल्कुल भी डाल रही हूँ। तो आप लोग चाहो डाल सकते हो। और ये देखो मेरा सत्तू बन करके, सत्तू का शरबत बन करके रेडी हो गया। तो हमारा शरबत बन करके रेडी हो गया है, ये आप लोग को दिखा दूं। तो मैंने सबको दे दिया है, और अभी मैं पीने जा रही हूँ। तो बहुत टेस्टी ड्रिंक है, और बहुत हेल्दी ड्रिंक भी है, क्योंकि गर्मियों में तो सत्तू पता है सबको कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो जिसको सत्तू खाना नहीं पसंद है, वो ऐसे शरबत ट्राई करें ना, एकदम फैन हो जाएंगे। और मुझे ना ये शरबत देखकर आज अपने पापा की याद आ गई। मेरे पापा को बहुत, मतलब मेरे मायके वाले पापा को ये शरबत ऐसे ना बहुत पसंद है, एकदम पतला पतला शरबत वो। तो मतलब, और ना वो मैंने इसमें मिर्ची बिल्कुल भी नहीं मिलाई, क्योंकि इनको नहीं मिर्ची खाना था। वो पापा तो ना मतलब सूखी वाली मिर्ची को ऐसे हाथ से क्रश करके उसमें डाल करके पीते थे। तो आज ये शरबत देख करके पापा की याद आ गई। तो अभी मैं इसको पी लेती हूँ, और इसके बाद फिर मैं आप लोग से बात करती हूँ, क्योंकि ना मुझे प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है। तो ये दोनों चीज़ का काम करेगा, प्यास भी मिटाएगा और भूख भी मिटाएगा। तो कैसा लगा शरबत आपको? और देखो देखो एक चीज दिखाऊं, पिछली बार मैंने इनके बाल काटे थे ना, तो कम काटे थे। आज देखो पीछे दिखाओ थोड़ा, ये देखो पूरे के पूरे मैंने काट दिए, कितने छोटे छोटे बाल कर दिए। अभी ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो, सच्ची में देख लो, अभी ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो। और आप लोग को अभी एक चीज दिखाऊं, ये मधुमक्खी का छत्ता आधा टूट करके गिर गया है, पूरा नहीं गिरा है, आधा टूट करके गिरा है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाया था ना मधुमक्खी के छत्ते, इस नीम के पेड़ को अभी मैं दिखा रही हूँ आपको। हाँ, तो ये जो नीम का पेड़ है ना, इसमें तीन मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं, तो आधा टूट करके गिर गया है, और इसमें बहुत सारी शहद भरी हुई है, तो मधुमक्खियाँ छोड़ नहीं रही हैं इसको। आप लोग देख रहे हो कि कैसे उड़ रही हैं, और बहुत सारी मधुमक्खियाँ छत्ते में बैठी हुई हैं।
अभी मैं बाहर घूम रही हूँ, इसके बाद फिर जाएंगे खाना बनाएंगे। तो खाना अब जल्दी बनेगा और जल्दी सब लोग खाएंगे, क्योंकि कल रात में पापा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी ना, तो इस वजह से अब सब लोग और जल्दी खाना खाएंगे। और देखो कितनी अच्छी लग रही है ये लटें, सब लटकी हुई हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये एक और झालर देखो, तो पूरे पूरे ग्राउंड में ना सबसे अच्छा व्यू यहीं पर आता है, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखो। और ये ना ये नीचे चिड़ियों के लिए पानी के लिए मटका रखा हुआ है, इसमें पानी भरा रहता है, तो जब उनको पीना होता है तो सब पी लेती हैं यहाँ से पानी। और गुलाब आप लोगों ने देखा ना कितने ज्यादा खिले हुए हैं। एक्चुअली उस दिन मुझे नहीं ज्यादा क्लियर दिख पाया था, बट आज मैं देखी हूँ बहुत सारे खिले हुए हैं। अभी आप लोग को बैक कैमरा से रोज दिखाती हूँ, एक तो दिख गया ना जिसका मैंने टियारा बना करके वीडियो भी डाला था, तो एक और ये अगेन गुलाब देख सकते हो पूरा कितना सारा, कम से कम 6-7 गुलाब होंगे इसमें। और ये वाला तो आप लोगों ने पहले देखा ही था। और ये देखो सबसे ऊपर कितने सारे गुलाब खिले हुए है ना, उस दिन मैं बिल्कुल नहीं देख पाई थी, मुझे नहीं दिखा था क्योंकि इतने ज्यादा ये लीव्स वगैरह है ना हरी हरी, तो मैं मतलब मेरी नजर ही नहीं ऊपर साइड गई थी, बट आज मैंने देखा कि कितने सारे ऊपर भी खिले हुए हैं। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने, क्योंकि मेरी दाल बन गई है, तो अभी मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। गर्मी एक लिमिट से ज्यादा है, आप लोगों को मेरा फेस देखकर समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा देखो कितना ज्यादा ऑयल ऑयल आ गया, स्वेटिंग भी हो गई है। तो सब्जी मैं बनाऊंगी आलू बड़ी और प्याज की, टमाटर नहीं डालेंगे क्योंकि नहीं किसी को टमाटर पसंद है, मतलब बाकी सबको पसंद है बट माँ पापा को नहीं पसंद है, तो आज टमाटर नहीं डाला जाएगा। और दाल मेरी बन गई है, तो चिमनी बोलते हैं हम लोग के साइड, मतलब मेरे मायके साइड तो चिमनी बोलते हैं, बट इधर पता नहीं क्या हिरमानी कुछ समथिंग लाइक कुछ ऐसे ही बोलते हैं, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गई थी बताने में। और अभी हम खाएंगे ये दोनों को, पिएंगे भी। तो आज फर्स्ट टाइम बेल का जूस मैंने बनाया है, पापा लेकर के आए थे, तो काफी मतलब 2 दिन हो गया था रखा हुआ था, तो मैं सोचा चलो आज मैं बना ही देती हूँ बेल का जूस। और पहले मैंने माँ को बहुत परेशान किया, मैंने कहा मुझसे नहीं बनता है, मुझे नहीं आता है, तो मैं कही अच्छा चलो हम तुमको सिखा देंगे। फिर बाद में मैं बोली कि भाई मेरे घर में तो बेल का बहुत बड़ा सा पेड़ है, बचपन से हमने बेल का जूस पिया भी है और बनाया भी है, क्योंकि मेरे पापा को बहुत पसंद है, जो मायके वाले पापा हैं। आज मैं मतलब दो मतलब मेरे पापा की एकदम पसंदीदा चीज दोनों आज मैंने बना करके पी है, जो कि सत्तू का जूस पापा को बहुत पसंद है शरबत, और ये बेल वाला शरबत भी पापा को बहुत पसंद है। ठंडियों में ना सॉरी ठंडी बोल रही हूँ गर्मियों में पापा की दोनों ही चीजें मतलब एकदम पसंदीदा होती है, कि सो कर उठते हैं तो यही दोनों चाहिए होते हैं, या तो सत्तू वाला शरबत या तो बेल वाला शरबत। तो आज पता है एक
बहुत ना मतलब फनी चीज हुई है कि मैं कमेंट ऐसे ऐसे रेट कर रही थी, एक्चुअली ये भी थे और मैं, हम दोनों लोग मतलब देख रहे थे किस किस का कमेंट आया। तो एक कमेंट आया कि दी आपने ये चेयर कहाँ से खरीदी हुई है, प्लीज बता दो, अगर ऑनलाइन आपने खरीदा हो तो मुझे भी अपनी मम्मी के लिए ऑर्डर करना है, मतलब ऑर्डर करना है मम्मी के लिए बैठ करके सुटेबल रहेगा बनाने को। तो इतनी हम दोनों को हंसी आई कि मतलब टूटी हुई कुर्सी को हम लोगों ने नहीं मतलब माँ ने टूटी हुई कुर्सी को और तोड़ ओड़ करके उसको अपनी चेयर बना ली और वो बेचारी कंफ्यूज हो गई, सोची ये कोई अच्छी डिजाइनर कुर्सी है, ऐसी आती होगी छोटे छोटे पैर वाली। तो वो पूछ रही थी कि हमें भी बता दीजिए, फिर जब मैं बताई उनको कि नहीं ऐसे ऐसे टूट गई थी तो वो भी हंस रही थी कि अच्छा, मुझे तो लगा कि मार्केट से खरीदी होंगी या तो फिर ऑनलाइन वाली होगी, तो ऐसा हो जाता है। वो भी फनी वे में पूछ रही थी, मैं भी फनी वे में ही बताई, बट उनको सीरियसली लगा कि ये खरीदी हुई कुर्सी है। तो बहुत हम दोनों लोग हंस रहे थे कि यार मतलब ये पूरे पूरे यूट्यूब में ना सासू माँ की कुर्सी फेमस हो गई है, घर में यहाँ मतलब ससुराल वाले घर का कुछ फेमस हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन ये टूटी हुई कुर्सी जरूर फेमस हो गई और बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। जैसे मैं अगर नीचे कुछ काम कर रही होती हूँ ना आंगन में और वो टूटी हुई कुर्सी नहीं दिखती, तो फिर मुझसे तब पूछते हैं दी आपकी वो कुर्सी कहाँ चली गई, आपकी सासू माँ की वो कुर्सी कहाँ चली गई। तो काफी ज्यादा फेमस हो गई है कुर्सी, घर से ज्यादा लोगों से ज्यादा तो वो कुर्सी फेमस हो गई है। तो अच्छा बात है, लकी है ना, टूट भी गई बेचारी की, बट फिर भी कितनी वैल्यू उसको मिल रही है। सब लोग घर में भी बैठने के लिए परेशान रहते हैं कि हमें कुर्सी मिल जाए बैठने के लिए, और उसको देख देख करके भी लोग मतलब ना कुछ भी हो टूटी हुई कुर्सी को भी काफी वैल्यू मिलती है, वरना तो वैसे लोग फेंक ही देते हैं। तो वैसे दो तीन लोगों ने मुझसे बोला कि दी इस कुर्सी को फेंक दीजिए, टूटा हुआ सामान नहीं रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि टूटा हुआ सामान नहीं रखते हैं, क्या इंसान के हाथ पैर टूट जाते हैं तो क्या उनको घर से फेंक देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो भगवान वाली अलग बात होती है कि अगर कोई भगवान की शील्ड है या फिर कोई भगवान की मूर्ति है तो अगर फूट जाए तो उसको घर पे नहीं रखते हैं, सो वो अलग चीज होती है। बट अगर कोई घर गृहस्थी वाली चीज टूट जाती है तो जरूरी नहीं कि फेंक ही देना चाहिए। जैसे कांच को अशुभ माना जाता है, तो अगर कांच का कोई ग्लास या कुछ कटोरी अगर टूट जाए तो उसको फेंक देते हैं लोग, बट हर चीज अशुभ नहीं होती है कि कोई भी चीज टूट जाए उसको फेंक ही देना चाहिए। और मेरी बातें हो गई इतनी सारी, तो मैं अभी अपने वीडियो का एंड भी करती हूँ। तो और मैंने ना अभी फेस वॉश भी नहीं किया है, जस्ट मैं नीचे से ऊपर आई हूँ, अभी 9 बज रहे हैं। ये बेल के शरबत ने मेरा बहुत दिमाग खराब किया है, क्योंकि लोहे वाला छन्ना था नहीं, नॉर्मल वाला छन्ना था जो प्लास्टिक वाला होता है ना, तो वो मतलब उससे छानने में इतनी मशक्कत करनी पड़ी। तो कल अभी माँ मंगाएंगी लोहे वाला छन्ना, तो उससे जल्दी छन जाएगा, तो काफी टाइम वेस्ट हुआ है इसमें। तो अभी मैंने फेस वॉश भी नहीं किया है, मैं वीडियो को एंड कर दूंगी, उसके बाद ही फेस वॉश करने जाऊंगी और फिर इसको भी खत्म करूंगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। और मैं मिलती हूँ आप लोग से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।